इस प्रकार से जो है सरकार डीए मर्ज करके वाहवाही भी ले लेगी और भत्तों का पैसा भी बचा लेगी, यानी कि एक तीर से दो निशाने जो है हासिल कर लेगी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 50% डीए पर बड़ा खेल, एक तीर से दो निशाने, कर्मचारियों को लाखों का नुकसान, पेंशन मंत्रालय ने अफवाहों पर लगाया विराम। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि उसके बाद मुझे आपकी राय की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जो दिखता है वह हमेशा होता नहीं है। आप ये खबर देख रहे हैं स्क्रीन पर जो कि मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है कि महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने खेला बड़ा खेल, एक तीर से कर दिए दो निशाने, कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान। और 24 मई 2024 की जो है दोस्तों यह खबर है, तो एक वेबसाइट पर इसे प्रकाशित किया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको आगे चल करके देखते हैं। अब जब यहां पर जो है दो निशानों की बात की गई है एक तीर से दोस्तों, पहला निशाना मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे ही 50% डीए डीआर क्रॉस कर जाता है, और आपको पता ही है कि 1 जनवरी से जो है 50% डीए और डीआर हो चुका है, और इसके बाद सोशल मीडिया पर आपने एक खबर सुनी होगी और कई चैनलों ने अपने चैनल के माध्यम से इसे प्रकाशित भी किया कि 50% डीए और डीआर कैन बी मर्ज। 50% जो डीए या डीआर है उसको आपकी बेसिक पे या पेंशन के साथ में मर्ज किया जा सकता है, और इसके दोस्तों लॉजिक भी बताए गए। और इसका पहला लॉजिक क्या था दोस्तों कि पिछले 2 महीने से AICPN के आंकड़े जारी नहीं हुए, और आपको पता ही है दोस्तों कि AICPN के आंकड़ों से ही जो है डीए और डीआर तय होता है। और दूसरा जो रीजन था दोस्तों कि EPFO का 25% अलाउंस बढ़ाने का जो आदेश था उन्होंने उसे स्थगित कर दिया, और ये था वो दोस्तों आदेश। इन्होंने 30 अप्रैल को EPFO ने अपने कर्मचारियों के लिए आदेश निकाला था कि 1 जनवरी 2024 से जो है सभी कर्मचारियों की, जब से जो है 50% डीए हुआ है, इनके अलाउंसेज बढ़ा दिए जाए, ग्रेचुटी 20 से 25 लाख कर दी जाए। लेकिन 7 मई को जो है इनकी तरफ से ऑफिस ऑर्डर आता है कि इस वाले ऑर्डर को जो है, जो कि 25% बढ़ाने का जो आदेश था, इसको स्थगित कर दिया जाता है इमीडिएटली। तो दोस्तों इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अब हो सकता है सरकार 50% डीए और डीआर को मर्ज करने जा रही है। तो दोस्तों यह तो था पहला वाला निशाना। दूसरा निशाना जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, आखिर क्या है इसका कारण, अब आप देख रहे हैं दोस्तों दूसरा निशाना आपको यहां पर मिल जाएगा कि यहां पर लिखा हुआ क्या है, आप इसको समझिए। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई, आखिर इसके पीछे कारण अब समझ में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपने कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की है, और यहां पर बताया गया है कि क्यों नहीं की है। इसका कारण अब समझ में आ रहा है कि क्या कारण है, इसको लेकर दोस्तों अधिकतर विभागों का कहना है जिन्होंने नहीं बढ़ाया है कि अभी महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को समझिए बारीकी से कि उन विभागों का कहना है कि 50% महंगाई भत्ता क्रॉस नहीं हुआ है, इसलिए हम भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, इस वर्ड को दोस्तों नोट कर लें कि यहां पर कहा गया है कि जैसे ही 50% के ऊपर जाता है वैसे ही भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों ये जो ऊपर शब्द है इसी एक शब्द के कारण जो है पूरी मीनिंग चेंज हो गई है। इसी एक शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचा है, उससे ऊपर नहीं गया है। जब यह ऊपर जाएगा उसके बाद जो है भत्तों में जो है बढ़ोतरी की जा सकती है, और इसी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि EPFO ने अपना जो अलाउंस बढ़ाने का आदेश है उसको निरस्त कर दिया, जिसमें कहा था कि 1 जनवरी से जो है अलाउंस बढ़ा दिए जाएं। अब दोस्तों आप कुछ समझ रहे हैं इस बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा गया कि सरकार कर रही है खेल। जी हाँ दोस्तों, अब खेल क्या कर रही है कि अगर जो है केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक पेंशन में मर्ज कर देती है, बेसिक सैलरी में मर्ज कर देती है, तो कर्मचारियों की बेसिक बढ़ जाएगी लेकिन महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। आप समझ गए बात को, आपका अगर जो है 50% डीए डीआर जो है मर्ज कर दिया जाता है
आपके सैलरी, बेसिक सैलरी या पेंशन में, तो DADR हो जाएगा दोस्तों जीरो, जिससे सरकार एक तीर से दो निशाने लगा पाएगी। एक तरफ बेसिक मर्ज करके जो है कर्मचारियों पेंशन भोगियों की वाहवाही ले लेगी, और दूसरी तरफ दोस्तों पे भत्तों में बढ़ोतरी करने से बच जाएगी। अब कैसे बचेगी, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज करने से डीए 0% हो जाएगा और वह 50% को क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी कि 50 के ऊपर नहीं जा पाया, जिससे कि सातवें पे कमीशन की सिफारिश जो है प्रभावी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इनका कहना है कि सातवें वेतन आयोग का कहना था कि 50% के ऊपर जाती है तब जाके जो है अलाउंस बढ़ते हैं, और जब उसको ऊपर ही नहीं ले जाने दिया जाएगा तो उसको जीरो कर दिया जाएगा, 50 पर ही रोक दिया जाएगा, तो ऐसे में जो है सातवें वेतन आयोग की सिफारिश जो है वो प्रभावी नहीं रहेगी, नल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है सरकार डीए मर्ज करके वाहवाही भी ले लेगी और भत्तों का पैसा भी बचा लेगी, यानी कि एक तीर से दो निशाने जो है साध लेगी। तो दोस्तों ये तो है जो कि मैंने सोशल मीडिया से प्राप्त किया है, लेकिन दोस्तों इसका क्लेरिफिकेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे डाउट क्रिएट हो जाते हैं, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा है, क्या वाकई में जो है सरकार एक तीर से दो निशाने मारने जा रही है। तो दोस्तों इसका क्लेरिफिकेशन जो है आप देख रहे हैं पेंशन मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवांस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने जो है जारी किया है 25 अप्रैल 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके। सब्जेक्ट है दोस्तों इसका क्लेरिफिकेशन ऑन इंक्रीज इन सर्टेन अलाउंस बाय 25% आफ्टर इनहेंसमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो यहां पर जो है क्लेरिफिकेशन दिया था, क्योंकि इनसे कई डिपार्टमेंट्स ने पूछा था कि जो ये 25% बढ़ना है वो कब से बढ़ना है, इस पर क्लेरिफिकेशन दीजिए। तो दोस्तों यहां पर उन भत्तों का भी जो है हवाला दिया गया है, और इसमें जो चौथा पॉइंट है इसमें क्लियर लिखा गया है दोस्तों कि दीज रिविजन आर एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो DOPT का कहना है दोस्तों, इसने साफ आदेश दे दिया है कि जो रिवीजन होना है, जो इंक्रीज होना है, वो 1 जनवरी 2024 से होना है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप देख रहे हैं CGDA का भी जो है एक क्लेरिफिकेशन है इन अलाउंसेज को लेकर के, 10 अप्रैल का यह लेटर है जिसमें जो है इन्होंने लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज क्लेरिफाइड दैट द पोजिशन इज वेरी क्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम एंड नो सेपरेट ऑर्डर विल बी इशूड इन द मैटर। और इन्होंने भी यहां पर बताया है कि इनहेंसमेंट रेट ऑफ डीए एट द रेट ऑफ 50% इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024, तो रिविजन ऑफ रेट्स ऑफ सच अलाउंस इन अकॉर्डेंस विद, यानी कि जो है 50% डीए हो चुका है 1 जनवरी से, तो ये अलाउंसेज बढ़ा दिए जाएं। तो इन्होंने भी जो है दोस्तों इस चीज को क्लियर किया है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दूसरा पॉइंट तो क्लियर है कि 1 जनवरी से जो है भत्ते बढ़ जाएंगे, लेकिन AICPN का जो 2 महीने का आंकड़ा है आखिर उसे जारी क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों यहां पर ये यह भी लिखते हैं कि वहीं पे सूत्र का कहना है कि सभी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त थे, इसलिए 2 महीने से AICPN के आंकड़े जारी नहीं हो पाए, चुनाव खत्म होते ही आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। तो अब ऐसे में हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाके असली मामला समझ में आएगा। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि चुनाव ड्यूटी के कारण जो है AICPN के आंकड़े पिछले 2 महीने से जारी नहीं हो सके? अच्छा दोस्तों, इन सभी खबरों के लॉजिक और डिपार्टमेंट के क्लेरिफिकेशन के बावजूद आपकी क्या राय बनती है? क्या DADR मर्ज कर दिया जाएगा आपकी बेसिक सैलरी या पेंशन के साथ में? दूसरा, EPFO ने जिस प्रकार से अपना अलाउंस इंक्रीज करने का आदेश निरस्त कर दिया, तो क्या वाकई में जो है सरकार अलाउंस बढ़ाने से बचना चाहती है? हालांकि मैंने आपको सरकारी आदेश दिखा दिए हैं, फिर भी जो है आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर लिखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।